हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी सर्विस पॉइंट। तो इधर आप देख सकते हैं डेल का बहुत एक कॉमन सा मॉडल है, डेल इंस्पिरन 3542, सॉरी मैं गलत बता दिया, 3521। और इसका जो कॉमन सा दिक्कत आता है इस मदरबोर्ड पे, वही आज डिस्कस करेंगे। और इस बोर्ड को तो हम लोग इस फिलहाल ये जो बोर्ड है इसमें जो दिक्कत आ रहा है, इसमें नो डिस्प्ले का इशू हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को तो हम रिजोल्व करेंगे ही। साथ ही साथ इसका जो कॉमन सा जो प्रॉब्लम अक्सर होता है इस बोर्ड पे, उसके बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो बोर्ड का पार्ट नंबर भी देख लीजिए, पार्ट नंबर है LA9104P, इसका पार्ट नंबर है। तो चलिए पहले इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है हो रहा है, ठीक है। तो हीटसिंग जो हमारा हीटसिंग है ये थोड़ा बैंड हो गया, ठीक है। इसको मैं पहले ठीक कर लूं, लगभग सही हो गया। तो चलिए अभी टाइम है इस बोर्ड को ऑन करने का। तो मैंने जो हमारा जो पावर सप्लाई है उसको मैं 19.9 वोल्ट में सेट किया, और अभी मैं इसका एडाप्टर को यहाँ पर प्लग करूंगा। मैंने एडाप्टर को लगाया, लगाने के साथ ही साथ इधर आप देख सकते हैं जो हमारा पावर सप्लाई है उसमें 0.08 एम्पियर को कंज्यूम किया, ठीक है। और बोर्ड तो अभी फिलहाल ऑन नहीं हुआ, क्योंकि जब बोर्ड ऑन होगा तब यहाँ पे लाइट भी ग्लो करेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा बोर्ड को ऑन करने के लिए। तो मल्टीमीटर को मैंने क्या मोड पे रखना पड़ेगा, बाजार मोड पे मैं मल्टीमीटर को रखा, और मेरा एक हैंड पे मेरा मोबाइल है, इससे ही वीडियो शूट हो रहा है। कोई भी बंदा अभी मेरा शॉप पे नहीं है, मैं खुद ही वीडियो एक हैंड पे मोबाइल को होल्ड करके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये देखिए बीप भी दे रहा है, और ये हमारा जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारा पावर ऑन के कनेक्टर है, ये सेकेंड नंबर पिन हमारा, मैंने सेकेंड नंबर पिन पे टच किया बट कुछ नहीं हुआ। चलिए दोबारा देखता हूँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। चलिए एक बार एडाप्टर को खोल के दोबारा लगा लेता हूँ, शायद कोई दिक्कत होगा। खोल के मैंने दोबारा लगाया एडाप्टर को, अभी पावर ऑन की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो एलईडी ग्लो भी हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो एलईडी है वो ग्लो भी हो गया, बट हमारा जो डीसी एम्पियर का रीडिंग है 0.009 एम्पियर अभी आ रहा है। इसके मतलब सिर्फ और सिर्फ 0.01 एम्पियर पावर ऑन के बाद ये बोर्ड कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी इस कंडीशन पे आपका बोर्ड डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो सप्लाई वगैरह है वो प्रॉपरली आउटपुट नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस कंडीशन पे क्या चेक कर सकते हैं, बोर्ड में हमारा कौन कौन सा सप्लाई बन रहा है, कौन कौन सा सप्लाई नहीं बन रहा है, उससे हमको आइडिया मिल जाएगा कि सेक्शन पे हमको काम करना है, ठीक है। तो चलिए बोर्ड को हम उस तरफ देखेंगे, काफी दिक्कत का सामना भी हो रहा है, क्योंकि ऐसी तरह चेक करना। तो हम लोग पहले एक सिरा को ग्राउंड कर लेंगे, इसको मैंने ग्राउंड कर लिया। मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, डीसी 20 रेंज पे मैं मल्टीमीटर को रखा, ये भी प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है कैमरा पे। तो अभी मेरे हिसाब से ये जो 6.3 वोल्ट का जो दो कैपेसिटर इधर है, ये हमारा 3 और 5 का कैपेसिटर होगा। तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पे हम लोग चेक करेंगे हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट जेनरेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैंने टच किया, और मल्टीमीटर की तरफ देखिए 3.42 वोल्ट बिल्कुल जेनरेट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कैपेसिटर का पॉजिटिव स्टेप में मैं टच करूंगा, टच किया, ये भी आप देख सकते हैं दूसरा कैपेसिटर का,
और मल्टीमीटर का तरफ देखिए 5 वोल्ट हमारा बिल्कुल सही से बन रहा है। इसका मतलब हम तो श्योर हो गया कि हमारा 19 वोल्ट तो बिल्कुल प्रॉपरली बनता होगा। अगर 19 वोल्ट नहीं बनेगा तो हमारा 3-5 कैसे जेनरेट होगा। 3-5 जेनरेट हो रहा है, इसका मतलब 19 वोल्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। और जो बेसिक सप्लाई है वो भी हम लोग चेक करेंगे, जैसे हमारा रैम के सप्लाई हो गया, हमारा पीसीएस के सप्लाई हो गया, ऐसी सप्लाई को हम लोग को चेक करना होता है, ठीक है। और हम कोर 4 तो नहीं बनेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 0.09 रीडिंग पे हमारा कोर तो कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। के तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो शायद ये हमारा रैम का कॉइल, रैम का कैपेसिटर होगा क्योंकि रैम का बाजू में ही है, रैम का बाजू में ही है, पीडब्ल्यूएम सेक्शन है। तो इसका पॉजिटिव सिरे पे हम लोग चेक करेंगे। देखे मल्टीमीटर की तरफ देखिए कोई भी वोल्टेज नहीं है, मैंने जो सोचा था वही उस हिसाब से ही चल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी वोल्टेज नहीं है इसका। और इधर हमारा जो कोर के पास ए कॉयल है, ये दो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है, तो कॉयल पे हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए कोर पे भी कोई भी वोल्टेज नहीं बनता है, ठीक है। हमको एक क्लू चाहिए जिस क्लू के आधार पे हम लोग रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है, रिपेयर करेंगे इस मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड को। और इधर और भी एक कॉयल है, इधर भी चेक करेंगे। मुझे पता नहीं है किसका कॉयल है, जब स्कीमेटिक पे जाऊंगा तब जाके मुझे पता होगा एक किसका लिए यूज होता है। फिलहाल तो इस वाला कॉयल पे भी कोई भी सप्लाई नहीं बनता है, ठीक है, नहीं बन रहा है। हम लोग इधर और एक कॉयल है, शायद ये वाला कॉयल हमारा पीसीएस के लिए हो, बट इस वाला कॉयल पे भी कोई भी सप्लाई मल्टीमीटर तो नहीं बन रहा है मल्टीमीटर पे। और इस साइड में भी टच किया कॉयल का, बट इधर भी कोई भी सप्लाई नहीं बन रहा है। बट बोर्ड हमारा स्टील अभी ऑन है, मैं इस साइड में दिखाने की कोशिश करूंगा। बोर्ड हमारा स्टील अभी भी ऑन है, ये देखिए यहाँ पर एलईडी भी ब्लिंक कर रहा है, इसके मतलब बोर्ड हमारा स्टील अभी भी ऑन है। और क्या क्या सप्लाई को हम लोग चेक कर सकते हैं, और हम लोग इधर आप देख सकते हो बायस है, बायस का पिन नंबर 8 पे हमको 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। वो भी हम लोग चेक करके देखेंगे। मैंने दोबारा एक प्रॉप को ग्राउंड किया और मैं अभी पिन नंबर 8 को टच करूंगा मल्टीमीटर। ये देखिए ये जो पहले वाला क्लू हमको मिल गया, ये देखिए मल्टीमीटर पे देखिए, ये मल्टीमीटर पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 2.12 वोल्टेज जेनरेट हो रहा है, बट ऐसी नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो बायोस है, ये बायोस का पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। इस बोर्ड में दोनों दो बायोस है, मैं दो बायोस को भी चेक करूंगा। मेरे हिसाब से ये जो बायोस है, ये हमारा पीसीएस के लिए यूज होगा, और दूसरा एक बायोस इस बोर्ड में हमको देखने को मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते है, हम लोग तो केबी बायोस बोलते है, ठीक है। इधर भी एक बायोस है, ठीक है, इसको भी हम लोग पिन नंबर 8 पे चेक करेंगे कितना वोल्टेज ये वाला बायोस पे आ रहा है। देखो ये वाला बायस पे भी 2.12 वोल्टेज जेनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लगभग जो जो चीज मैंने देखा वो चीज से मेरे को ये समझ में आया, बोर्ड में 3-5 वोल्टेज बन रहा है, बोर्ड में रैम वोल्टेज नहीं बन रहा है, बोर्ड में पीसीएस वोल्टेज भी नहीं बन रहा है, बोर्ड में कोर भी नहीं जेनरेट हो पा रहा है, और हमारा जो बायोस है उसमें हमको 3 वोल्ट मिलना चाहिए था, बट उधर 2 वोल्ट आ रहा है। तो हम लोग 2 वोल्ट के कारण पीछे पहले भागेंगे, ठीक है। जब 2 वोल्ट क्यों जेनरेट हो रहा है, यही हमको ये मदद करेगा इस बोर्ड को रिपेयर करने पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्कीमेटिक पे जाएंगे जो कि हमारा डेस्कटॉप पे है। चलिए मैं स्कीमेटिक को ओपन करूंगा। ये देखिए 3542 का मैंने डेस्कटॉप के ऊपर डाल के रखा है, ठीक है।
और हम लोग इधर से क्या करेंगे, कंट्रोल एफ मार के हम लोग फाइन करेंगे। क्या फाइन करेंगे, इधर बायोस का नंबर हम लोग को फाइन करना है, ठीक है। बायोस का नंबर क्या है, UH2, ठीक है। तो बायोस का नंबर इधर मैं डालूंगा, UH2 मैंने डाल दिया। और इधर हमको, मैं थोड़ा जूम कर लूं इधर स्क्रीन को, हो गया। UH2 किधर है, ये देखो UH2, ठीक है। ये UH2 मैं थोड़ा सा और भी जूम कर लूं, ये देखो UH2 जो हमारा EN बायोस है, ठीक है। जो दोनों बायोस होता है, एक होता है हमारा जो हमारा आयो है उसको चलाने के लिए पहला बायोस होता है, और एक बायोस होता है जो हमारा PCS के लिए यूज होता है, जो हमारा LPC को जेनरेट करता है, ठीक है। तो इसका जो पिन नंबर 8 है, इसका VCC है, इधर पिन नंबर 8 हमारा VCC है, ठीक है। जो कि VCC पे हमको कितना वोल्ट चाहिए, 3.3 वोल्ट, इधर मेंशन भी किया है। ये देखिए VCC पे हमको 3 वोल्ट चाहिए, देखिए 3 वोल्ट PCS। तो पहले हम लोग ये कंफर्म कर लेंगे इसका पिन नंबर 8 का इम्पीडेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं एडाप्टर को यहाँ से खोलूंगा, और खोलने के बाद मैं मल्टीमीटर को दोबारा जाएंगे मल्टीमीटर पे, और मैं मीटर को डायोड मोड पे रखना पड़ेगा। मैंने डायोड मोड पे रखा मीटर को, और अभी हमको रिवर्स बायसिंग पे इसका पिन नंबर 8 का हमको क्या चेक करना है, पिन नंबर 8 का। देखिए पिन नंबर 8 पे जो रीडिंग आ रहा है, 348 रीडिंग आ रहा है, ठीक है। पिन नंबर 8 पे ये देखो, पिन नंबर 8 पे 348 रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू का जो लोचा होता है, वैल्यू कम ज्यादा होता है, वैल्यू का लोचा तो नहीं है, बिल्कुल वैल्यू सही है। और पिन नंबर 8 से हमको ये भी हमको देखने को मिल सकता है, अगर पिन नंबर 8 ग्राउंड से इम्पीडेंस लो आता है तब हम लोग मानते हैं हो सकता है हमारा PCS खराब हो, क्योंकि पिन नंबर 8 का सप्लाई, हमारा PCS का जो सप्लाई होता है वही सप्लाई पिन नंबर 8 पे डायरेक्टली आता है। हो सकता है इसका बीच में कोई JFET यूज होगा, हो सकता है कोई DC-to-DC IC यूज होगा, ऐसे तरह हो सकता है। काफी आर्किटेक्चर का बोर्ड में कभी कभी जो डिजाइनर है डिजाइन थोड़ा डिफरेंट करता है। तो हम लोग ये चेक कर लेंगे, ये जो 3 वोल्ट PCS है, 3 वोल्ट PCS ये वोल्टेज किधर से आ रहा है, ठीक है। इसका पीछे हमको भागना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा जो पहला क्लू है। तो चलिए इसका पीछे हम लोग जाएंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, बट एक कॉपी नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं होता है भाई। चलिए मैं थोड़ा सा जूम को घटा लेता हूं, मेरा PCB थोड़ा स्लोली वर्क कर रहा है। चलिए इधर से मैं इसको, कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत स्लोली काम कर रहा है मेरा PC, और एक हाथ से काम करने की मेरा आदत नहीं है, वीडियो एक हाथ से बनाने का, तो काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए हम लोग डायरेक्टली इधर सर्च कर लेंगे 3 वोल्ट_PCS प्लस 3 वोल्ट_PCS, ठीक है। तो चलिए मैं कीबोर्ड पे इधर डायरेक्टली सर्च कर लेता हूँ, मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि उधर से कॉपी नहीं हो रहा है। चलिए मैंने इधर टाइप कर लिया, क्योंकि ये कीबोर्ड का जो शिफ्ट है और जो कीबोर्ड का प्लस है, ये दबाने के लिए मेरे को दोनों हाथ का यूज करना होगा, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा टाइम के लिए पॉज किया, और लिखने के बाद वीडियो को दोबारा रिज्यूम किया, ठीक है। तो चलिए ये 3 वोल्ट PCS कहाँ से आ रहा है हम लोग देखेंगे। हाँ,
तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका बर्थ प्लेस को हमको पहले ढूंढना होगा, कहाँ से जेनरेट हो रहा है ये वाला वोल्टेज, ये इधर VCC करके आ रहा है, ये सब कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इसका बर्थ प्लेस को हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इधर UC2 पे VCC करके आ रहा है 3 वोल्ट PCS, बट इसका पीछे हमको नहीं भागना है, हमको इसका बर्थ प्लेस को ढूंढना है, कहाँ से जेनरेट हो रहा है। तो इधर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इधर क्या है देखेंगे। चलिए इधर देखिए, ये जो 3 वोल्ट ऑलओएस थे 3 वोल्ट PCS बन रहा है, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर ये जो 3 वोल्ट ऑलओएस है, 3 वोल्ट ऑलओएस टू और 3 वोल्ट PCS इधर जेनरेट हो रहा है। तो किसके मदद से जेनरेट हो रहा है, QZ3। हमको तो पहले हम लोग ये चेक कर लिया, 3 वोल्ट ऑलवेज हमारा बिल्कुल जेनरेट हो रहा है। हो सकता है एक ये जो QZ3 जो मॉस्फेट इधर यूज हुआ है, एन चैनल मॉस्फेट इधर यूज हुआ है, इसका ही कोई ना कोई लोचा होगा, मे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बोर्ड पे ढूंढ लेंगे ये जो QZ3 है वो बोर्ड पे किधर लगा है, ठीक है। तो बोर्ड हमारा आगे आ गया, तो किधर, और सब वीडियो का लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं और कुछ ट्रिक्स और टिप्स दूंगा जो कि आपको इस तरह का काफी बोर्ड को रिपेयर करने पे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। QZ3 ना, ये देखिए इधर लगा है QZ3, दिख रहा है ना अच्छे से, इधर बहुत अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि मेरा मैं जो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ अभी वीडियो को, वो कैमरा बिल्कुल सही है, बहुत मेरे को तो अच्छा लगता है। QZ3 इधर लगा है, तो QZ3 का जो QZ3 है इसका जो ड्रेन है, सॉरी हाँ, इसका जो ड्रेन है इधर 3 वोल्ट ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो सोर्स है उधर से 3 वोल्ट PCS जेनरेट होगा, ठीक है। और इसका जो गेट है पिन नंबर 4 जो गेट है, ये एक गेट एक लॉजिक के साथ जुड़ा होगा, ये देखिए एक गेट एक लॉजिक के साथ जुड़ा होगा, हाँ, जो कि प्लस प्लस बी, ठीक है, ऐसी तरह कोई प्लस वो जो हमका हमारा जो एडाप्टर का वोल्टेज है ऐसी तरह एक वोल्टेज आएगा, ठीक है, जो कि ये तो एन चैनल मॉस्फेट है, इसका गेट पे जब तक ज्यादा वोल्ट नहीं आएगा ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। यही एक लॉजिक इसका यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको तो QZ3 इधर मिला, QZ3 इधर मिला, तो हम लोग दोबारा एडाप्टर को लगाएंगे। दोबारा मैंने एडाप्टर को लगाया, चलिए एडाप्टर को दोबारा लगा लिया, और डीसी का कंज्यूमशन भी देख लीजिए 0.08, और इधर कोई भी LED ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बाजार मोड पे दोबारा रखेंगे, मैं मल्टीमीटर को बाजार मोड पे रखा, एक सिरा को हम लोग ग्राउंड करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड को हमको टिगर करना होगा, ठीक है। ये देखिए ग्राउंड किया, और जो माइनस का सिरा है उससे हम पिन नंबर 2 पे टच करेंगे, देखिए पेन नंबर 2 पे मैंने टच किया, इधर LED भी ब्लिंक हो गया, बट जो DC का रीडिंग है 0.08, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, और QZ3 पे जाएंगे, इससे पहले हम लोग मल्टीमीटर को दोबारा DC 20 रेंज पे रखेंगे। DC 20 रेंज पे मैंने मल्टीमीटर को रखा, और हम लोग QZ3 का ड्रेन किस तरफ है अभी देखेंगे। QZ3 ये हमारा QZ3, इस तरफ हमारा ड्रेन है, ठीक है। तो ड्रेन पे हम लोग चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो देखो ड्रेन पे हमको 3.42 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, ठीक है, और सोर्स पे हमको कितना वोल्टेज देखने को मिल रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए सोर्स पे हमारा 2.19 वोल्टेज देखने को मिल रहा है, यही 2.19 वोल्टेज
जो कि हमारा ये जो बायोस है, बायोस का पिन नंबर 8 पे अपने आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो बायोस का पिन नंबर 8 पे टच किया 2.17, यही वोल्टेज हमारा बायोस पे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यों ऐसी हो रहा है, क्योंकि इसका जो गेट है और गेट पे वोल्टेज गड़बड़ मिल रहा है। ठीक है, एक गेट पे वोल्टेज हमारा गड़बड़ मिल रहा है। देखो गेट पे सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्ट मिल रहा है। गेट पे हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 वोल्ट मिल रहा है, सॉरी 3.3 वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ हमारा गेट पे मिल रहा है। ठीक है, तो यही है दिक्कत और यही है लोचा, इसके वजह से ये दिक्कत आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूजेड 3 को यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद हम लोग इसका ड्रेन टू सोर्स को जम्पर मार देंगे। ठीक है, जाके हमारा ये 3 वोल्ट इधर से इधर जा पाए। ये जो 3 वोल्ट है ना, हम लोग ये क्यूजेड 3 को यहाँ से रिमूव करेंगे और इसका ड्रेन और इधर सोर्स ये दोनों को जम्पर वायर के थ्रू जम्पर मार देंगे। ठीक है, बस यही काम है हमारा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट मैं एक हैंड से तो नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करूंगा, करने के बाद ही आपको दिखलाऊंगा कि मैंने क्या किया। तो वेलकम बैक, मैंने जो QZ3 है इसको मैंने रिमूव कर लिया। ठीक है, और इधर मैंने जो सोर्स टू ड्रेन है इसको मैंने जम्पर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग दोबारा बोर्ड को एक बार पावर ऑन करेंगे और देखेंगे कुछ बदला कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। मैंने एडाप्टर को अभी प्लग किया और प्लग करने के बाद पहले क्या आ रहा है, 0.08 एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, बट अभी थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। इसके रीजन क्या है, क्योंकि ये जो थ्री वोल्ट पीसीएस है, ठीक है, वो अभी डायरेक्टली तैयार हो रहा है। ठीक है, कोई विदाउट कोई परमिशन के अलावा ही तैयारी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बोर्ड को दोबारा पावर ऑन करेंगे। मैंने दोबारा डाला बीप रेंज पे और अभी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा ट्रिगर किया। मैंने ट्रिगर किया, अभी इधर लाइट भी ब्लिंक कर रहा है और इधर देखिए एम्पियर 0.41 एम्पियर पे गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तो सारी वोल्टेज ओके होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार यहाँ पे कीबोर्ड लगा के चेक करेंगे हमारा बोर्ड पे अभी डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एक कीबोर्ड का इंतजाम करना पड़ेगा, तो दूसरा टेबल पे कीबोर्ड तो वो लेने पहले लेना पड़ेगा। दूसरा टेबल पे कीबोर्ड था तो मैंने कीबोर्ड का इंतजाम कर लिया और कीबोर्ड भी लगाऊंगा और आपके सामने चेक करूंगा बोर्ड में भी डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। काफी बोर्ड है जो कि जब तक मैं LVDS को कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक डिस्प्ले नहीं आएगा, बट काफी बोर्ड है वो तो चला आता है। सॉरी, ये थोड़ा मुश्किल का काम लग रहा है एक हाथ से करना, क्योंकि ये जो कीबोर्ड का कनेक्टर है ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने कीबोर्ड को लगा लिया, एक हाथ से नहीं हो रहा था इसलिए पॉज किया वीडियो को, क्या करूं। तो कीबोर्ड को लगा लिया, अभी मैं दोबारा डीसी पावर सप्लाई को ऑन किया और दोबारा एक बार बोर्ड को हमको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, कितना काम है भाई। दो हाथ की जगह अगर हमारे पास 3 हाथ होता तो अच्छा होता। तो चलिए बोर्ड को ऑन किया, एम्पियर के कंजम्पशन आप देख सकते हो। ठीक है, और कीबोर्ड में देखेंगे, कीबोर्ड पे अभी तक तो डिस्प्ले का कोई पता नहीं। ठीक है, डिस्प्ले तो अभी तक नहीं आया है कीबोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए
देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार इसको और फ्रेम में फिट करके, ठीक है, फ्रेम में फिट करके एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले आता है कि नहीं। और चलिए एक बार फ्रेम में फिट कर ले, फिट करके देख लेते हैं। तो फ्रेम में बसिए फेले ची ए बार सॉरी बांग्लाई हो गया। तो फ्रेम में लगा लिया, तो अभी इसको क्या करना है, इसको पावर देना है और देने के बाद इसको ऑन करके देखना पड़ेगा ये डिस्प्ले दे रहा है कि नहीं। तो मैंने एडाप्टर को अभी लगाऊंगा, एडाप्टर को लगा लिया बस। तो अभी डीसी को मैंने दोबारा ऑन करूंगा, डीसी को मैंने ऑन किया, डीसी को ऑन किया, तो सेम प्रोसेस दोबारा को करना पड़ेगा। पहले तो एक प्रॉप को ग्राउंड डालना पड़ेगा जो कि मैंने डाल दिया, और दूसरा प्रॉप से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन हो गया, लाइट भी ब्लिंग हो रहा है। देखिए डिस्प्ले भी प्रॉपरली आ गया, देखिए देख सकते हो ना डिस्प्ले भी प्रॉपरली आ गया। तो कैसा लगा जरूर बताना। ये छोटा सा एक वीडियो था जो कि 3521 का कॉमन सा दिक्कत होता है, ठीक है, इस बोर्ड का, जिसको मैंने सही किया और इस रेडी हो गया। और जो मैंने आपको बोला था एक गिफ्ट आपको जो जरूर दूंगा, इस बोर्ड का जो जो दिक्कत होता है कॉमन कॉमन सा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आ जाइए, ये हमारा तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट, जाकि आप लोग ए जो LA9104P इस बोर्ड का जो कॉमन सा दिक्कत आता है, यही पेज पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए सबसे जो दिक्कत आता है इस बोर्ड का, 3 वोल्ट ऑलवेज टू 3 वोल्ट VS, ठीक है, ये मॉस्फेट का दिक्कत आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लू, ये देखिए 3 वोल्ट ऑलवेज टू 3 वोल्ट VS जो कि QZ7 लगा है, ठीक है। आप चाहे तो ये मॉस्फेट के जगह पे इसको लाइन को आप डायरेक्टली मैंने जैसा किया रिमूव करके लाइन को बाईपास कर सकते हो, ठीक है। और जो दिक्कत आपको इस बोर्ड के साथ देखने को मिलेगा ऐसी तरह ही है, 3 वोल्ट 5 टू 3 वोल्ट VS, ये देखिए 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट ऑलवेज टू 5 वोल्ट VS, इस मॉस्फेट को भी दिक्कत आता है। और ये सारी दिक्कत इसका गेट के वजह से आता है। अगर आप गेट का लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आपका टाइम नहीं है गेट के लॉजिक के तरफ जाने का, तो आप डायरेक्टली जम्पर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और एक 1.8 वोल्ट का एक होता है जो कि इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को पता नहीं, बट इस बोर्ड का दिक्कत आता है। बहुत दिन पहले मैंने और एक रिपेयर किया था, ये देखिए मैंने यही 1.5 टू 1.5 वोल्ट VS, मैं बहुत दिन पहले एक बोर्ड रिपेयर किया था इसलिए मेरे को याद है, ठीक है। ये देखिए 1.5 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट VS, ठीक है, जो कि हमारा रैम का वोल्टेज है वही यहाँ से डीसी टू डीसी कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। अब इस जगह पे भी जम्पर मार सकते हो। तो यही था छोटा सा एक वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़ा रहना, क्योंकि मैं ऐसी तरह वीडियो यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।